लुधियाना दे कोर्ट कंपलैक्स विच होया बंब धमाका, 2 दी मौत, 4 जख्मी। घटना वाली जगह का जायजा लैन पहुंचे पंजाब दे डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब नू हाई अलर्ट किया। लुधियाना तो विक्रम सैनी की खास रिपोर्ट। नवियां ते ताज़ा खबरां देखने लिए पी न्यूज़ 13 चैनल नू सबसक्राइब, शेयर ते लाइक करना ना भुलो। साडे नाल फेसबुक पेज ते भी जुड़ो। सीआरपी के अंडर देना चाहते हैं कि बीएसएफ के अंडर देना चाहते हैं पंजाब को, क्योंकि जो पंजाब का माहौल इस पुलिस के वास्ते च नहीं है भी ऐसे माहौल को ठीक करिए, क्योंकि जो साडे इस टाइम जो मंत्री साहब ने या जो साडे होर वड्डे वड्डे लीडर ने ना, ये सारा शह दे रहे हैं भी इतने अतवाद लिया और दहशत का माहौल बनाओ और कांग्रेस सरकार दोबारा बनाई। हाँ जी बिल्कुल सही है जी। कैप्टन साहब देखो, कैप्टन साहब ने अज तक कांग्रेस के इन्ना टाइम काम किया, ठीक है जी, सीएम रहे और उन्होंने अपने सीएम पद में भी ठोकर मार के उन्होंने देश हित के वास्ते जाके मोदी जी ने दसिया भी जो पंजाब के जो हालात ने ठीक नहीं, इस करके पंजाब को बचाना चाहिए। और जो बीएसएफ इस वजह करके बीएसएफ मोदी जी ने डिसीजन लिया भी 50 जो किलोमीटर के अंदर अंदर जो बीएसएफ लाई और तुहाड़े सामने पिछे जो किन्ना किन्ना जो नशा वे वो भी देखो मिलिया, और जो बीएसएफ लाने के नाल सानू बहुत वाडा इस चीज़ का वाधा मिलेगा। कांग्रेस के जो उपर लोग बैठे ने ना, जो साडे सोनिया जी बैठे ने, वो जे किसी दी चलन नहीं देंदे, जे जे चाहते हो कैप्टन साहब चाहते मैं उपर रिपोर्ट भी देंदे होंगे। और तुहानूं पता कांग्रेस का हमेशा रहा वे वोट पाओ तो राज करो, अतवाद नूं लियाओ, ये कांग्रेस ने हमेशा 84 च की किया, और ये जो कैप्टन साहब की बस की गल नहीं सी हैगी उहदे वजह करके जो कैप्टन साहब छड्ड के गए उन्होंने। ये सारे मिली भगत ने जी, अज जो पंजाब सरकार आप सारे काम करा रही है, पंजाब का दहशत का माहौल बनाने की खातर पंजाब सरकार आप लगी हुई काम कराने वास्ते। बिल्कुल जी, चोणां आ गईआं ने, उन्होंने तुहानूं पता चो भाई साहब, मैं तुम्हें बार बार कह रहा भी पंजाब के जी कांग्रेस सरकार जो भी आई है, जो भी इन्होंने अतवाद लिया के लोगों को डरा के राज किया है, और अज दोबारा उसे पंजाब के दोबारा डराना चाहते हैं, मैं दहशत का माहौल लिया चाहते हैं, और पंजाब की जनता बहुत सियानी है, हूँ इन्हों की गलों च नहीं आएगी और इन्होंने डट के इस चीज़ का मुकाबला करेगी। इस कोर्ट कंपलैक्स लगे हुए हैं सारे जगह, मतलब काम नहीं करते, यह मतलब है जी किसी की मिली भगत जेडे इतने मुलाजम की ड्यूटियां है उन्होंने कोई ना कोई बंदा मिले होएगा, अपने गदार भी लोग बिच ही ने ना जी, कोई ना कोई गुदार होएगा, नहीं तो अंदर जा ही नहीं सकता, कितना अंदर बंब चला गया, कोर्ट कचहरियों के जो बंब जा सकता है ना जी, तो कोई पंजाब के बंदा कोई सेफ नहीं है, एक गल नोट कर लो भी कोई अपने घर भी सेफ नहीं है, जो कोर्ट कचहरी जो हाल हो रहा है। कोर्ट कंपलैक्स पुलिस की चौकी भी है, किस तरीके से देख रहे हो, वकीलों का कहना जो बंब ब्लास्ट हो गया बहुत पुलिस पुलिस जो साडे मुलाजम ने जी, मैं देखो गल सुनो, मैं पुलिस मुलाजमान का कसूर नहीं कटता, ये जी साडी सरकार है वो सरकार से जो कोई भी पुलिस अफसर कोई चंगा काम करता है कोई ना कोई वो परचा बना देंगे ने, पुलिस अफसर दबा के रखते हैं, पुलिस अफसर का जो मनोभाव हूँ तुम देख रहे हो, एक बंब ब्लास्ट हो गया कचहरी के उदो सारी पुलिस फोर्स ला दी, जो घटना जी बेदबी आँदी उदो ये काम क्यों नहीं करते, उदो कितने जाते उदो इन्हों की अखा सुतियां आदि ने, दसो उदो क्यों नहीं बोलते, हूँ भैन जी बंब ब्लास्ट होया उदो धक्के मारी जाते, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करिए परे हो जाओ परे हो जाओ, तो यही यही सख्ती सख्ती है जो बेदबिया के उत्ते कर, जो बेदबिया ना हो ना पंजाब नशा विके ना पंजाब पंजाब आ लुटा हो जे सख्ती करन दा पंजाब पुलिस बस बदनाम। हाँ जी सीएम साहब पहुंच रहे, सीएम साहब की कर रहे, सीएम पहुंचे यार, उन्होंने सब तो वड्डा मुद्दा यह देखना चाहिए कि श्री गुरु हरिमंदर साहब जी बेदबी हुई है उत्ते चर्चावां करनी चाहिए ने इन्हों, ना कि इत्थे बलात बलात तो होंगे रहेंगे ने, जी ग्रंथ साहब जी बेदबी होंगी कि वड्डी वड्डी घटना उन्हां दी। देखो जिहड़ा टांडा साहब लुधियाणा दे कोर्ट कंपनी की सिक्योरिटी नूं कीवें देखदे हो तुसीं, अज कहिंदे हो तुहाडे ते बार कीता गया, कोर्ट की सिक्योरिटी नूं कीवें लैंदे हो, हजारा बंदे रोज आउंदे उहदे बारे की कहना चाहुंदे हो? म्यूजिकल चेयर तो डीजीपी दी है, तुसीं की सोचदे हो सिक्योरिटी वल ध्यान है किसे दा? सुखी रंधावा प्रोटैक्शन दिंदा शरेआम गैंगस्टर्स नूं जेलां च, अंसारी पंजाब च रख्या गया, रोज गैंगस्टर्स तुरे फिरदे हैं, शरेआम गोलियां चलदियां हैं, शरेआम चिट्टा बिकदा है, ये चिट्टे की गल करते हैं, जिन्ना आत्मनगर चिट्टा बिकदा है बच्चे बेचते हैं 14-14 साल के, 12-22 ते ब्लास्ट होया सैकेंड फ्लोर के वाशरूम के
उहदे च एक आदमी की डैथ हो गई है, चार जड़े ने इंजर्ड ने, उन्हां च एक एडवोकेट ने, एक साडा पुलिस का नैपकोट और दो लेडीज़ ने। जिहड़ा नैपकोट है वह सी एम सी च आ, एडवोकेट जिहड़े ने मंड साहब वो डी एम सी ने, दूसरी जिहड़ियां दो लेडीज़ ने वो सिविल हॉस्पिटल दे विच दाखल। सारे जिहड़े ने एक डैथ तो अलावा बाकी जिहड़े ने वो नॉर्मल ने और स्टेबल ने, उन्हां दा भी मैं पता लैण लई जा रहा हूँ। ये जे इस वेले मैं जिहड़ा इन्हां ने किया ये अजे कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सारा कुछ रिकॉर्डन किया, साड़ी जिहड़ी फोरेंसिक जिहड़ी टीम है वो इत्थे पहुँच गई है, वो भी कर रहे हैं, चंडीगढ़ भी चले ने, और जिहड़े कोई पुराने जिहड़े कोई साडे कोल रिटायर्ड फोरेंसिक वाले ने उन्होंने भी असीं क्या कि तुसीं भी आके देखो कि ये की चीज़ा है और किवें ब्लास्ट हुआ, ये किहड़ा जिहड़ा एक्सप्लोसिव है जिहड़ा किहड़ा ये वरत्या गया। दूसरी जिहड़ी चीज़ है कि जिहड़ा इन्होंने कहा कि इन्हां दे विच अपनी जिहड़ी स्टेट आ ये बॉर्डर स्टेट है, ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जो जी कोई बाहर दी फोर्सिज ने उन्होंने भी ये कारा हो सकता क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि पंजाब जो स्टेबल रहे, और ये पंजाब स्टेबल होंगे तो पूरा हिंदुस्तान स्टेबल है, इस अनस्टेबल करने की कोशिशें की जा। असी जी है इनू हाई अलर्ट तो पंजाब किया, पहला भी किया बॉर्डर से, वैसे ही साडा हाई अलर्ट रहिंदा तो पूरे पंजाब हाई अलर्ट किया, जिहड़ियां कोर्ट्स ने डी सी ऑफिस ने जिहड़ियां मेजर पब्लिक जिथे ज़्यादा लोग आते हैं उत्थे जिहड़ी कि सिक्योरिटी वधाई जाएगी, और नाल ही जिहड़ी साडी सब तो वड्डी प्रॉब्लम है जिहड़ी हुण असीं बैठे हुण फिर मीटिंग करन जा रहे हैं, सब तो वड्डी प्रॉब्लम है कि जिन्हें धरने ने साड़ी फोर्स सारी उत्थे पहुँच जाती है, तो इन चीज़ों से उन्होंने मैं अपील करना कि पंजाब की बेहतरी लई पंजाब की सिक्योरिटी लई उन्होंने थोड़ा जिहा संजम चो कम लेना चाहिए, और जिहड़ी पंजाब पुलिस है उन्हें इस पासे ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਚੁਣਾਵ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਚੁਣਾਵ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚੁਣਾਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਉਸ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, 12 ਵਜੇ 12:30 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਫੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬੰਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸੀ ਐਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਮਰੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੰਬ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰਾਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਆਨ ਆਈਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਸੀਗੀ, ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ।